हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज में हम आपको सिखाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, वैसे ही एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठाए हैं, उसी क्वेश्चन की मदद से आपको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा देंगे। एक फार्मूला एनसीईआरटी में दिया है, अगर वो फार्मूला आप यूज करना चाहेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे एक नया मेथड रहेगा जिसको हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, इसमें ये चार लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें सबको सॉल्व नहीं करना है, लिखा है क्वेश्चन में कि जिसका यूनिक सोल्यूशन हो उसी को फाइंड करना है। इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, फाइंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो उसको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये आप देखेंगे अगर, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि a1 upon a2 ये तो आप कर चुके हैं ऐसा काम, b1 upon b2, c1 upon, ये देखिए a1 upon a2 इस केस में क्या आएगा, 1/3, और b1 upon b2 क्या आएगा, -3/9 -9, मतलब ये भी 1/3। तो और c1/c2 क्या आएगा, 3/2। तो यहां आप देख रहे हैं कि a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है, बट c1 upon c2 के नॉट इक्वल है। तो ये किस चीज का कंडीशन है? ये जो कंडीशन है वो है पैरेलल का। तो पैरेलल के कंडीशन में तो सोल्यूशन ही नहीं होता है, तो इसका हम सोल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे। इस केस में आते हैं तो यहां देखेंगे a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 नहीं है, क्योंकि a1 upon a2 2/3 आ रहा है और b1 upon b2 1/2 आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन का है। यहां देखें तो 1/2 1/2 1/2, ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन, जो कि आप 3.2 में सब तो पढ़े ही हैं। यहां देखिए 1/3 और 1, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों, इन चारों में हमें दो इक्वेशन फाइंड करना है, इन चारों में हमें ये और ये फाइंड करना है ना। तो आइए हम सीखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेकेंड और फोर्थ कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट और थर्ड तो सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट का पैरेलल वाला कंडीशन हो गया और थर्ड का ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन हो गया। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड अभी हम लोग देखे थे, जो यूनिक सोल्यूशन वाला, देखिए कितना आसान आपको लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला बेस्ड जो है, फार्मूले पे हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला तो काम ये करिएगा कि जो भी इक्वल टू में लिखा है उसको इधर लेते आइएगा। तो +5 इधर आके -5 हो जाएगा, उधर बच जाएगा 0। +8 इधर आके -8 हो जाएगा, उधर बच जाएगा 0। अगर आपको ये हमारा वाला ट्रिक लगाना है तो हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स के अपॉन में कुछ लिखेंगे, -y के अपॉन में कुछ लिखेंगे और 1 के अपॉन में कुछ लिखेंगे। ये आपको याद करना होगा। फार्मूला याद करने से बेटर है कि आपको ये याद हो जाए, और ये आपको याद ही हो जाएगा। एक्स के अपॉन में कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये तो आपको तुरंत आप जान जाएंगे, बट यहां पे क्या लिखना है ये आपको माइंड में रखना है। एक्स अपॉन इज इक्वल टू -y upon इज इक्वल टू 1 upon। ये माइनस हम आपको इसलिए यहां पे लगाए हैं जैसे आप ही को सहूलियत हो वैल्यू यहां नीचे लिखने में। अगर ये माइनस हटा दें तो भी सॉल्व होगा, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब कौन सा लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स के अपॉन में क्या लिखना है, जिसके अपॉन में लिखना है उसको आप छुपा लीजिए। एक्स के अपॉन में लिखना है तो एक्स वाला छुपा लीजिए। अब बताइए क्या कोफिशियंट बचा, एक्स वाला छुपा लीजिए तो कोफिशियंट क्या बचा, यहां बचा 1, यहां बचा 2, यहां बचा -5, यहां बचा -8।
अब वाई के नीचे लिख रहा है तो वाई वाला छुपा लीजिए, बताइए क्या कोएफिशिएंट बचा है, 2, 3, -5, -8। अब 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाला छुपा लीजिए, क्या बताइए क्या बचा है, 2, 3, 1, 2। इससे जी मेथड आपको नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला याद करने से बेटर है ये। तो अब देखिए ये लिखने आया कि नहीं आया आपको, अब देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नाम ही इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -8 लिखेंगे और माइनस लगा के तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का -5 में करेंगे -10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -16, फिर माइनस लगाएंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे -15, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 2 2, ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बट माइनस बीच में लगाएंगे, याद रखिएगा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, पहले माइनस लगाइए तब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस प्लस 10 में से एड गया 2, माइनस माइनस प्लस 15, माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 और 4 में 3 गया 1, ये माइनस माइनस कट जाए तो कैंसिल कर दीजिए, सही है। अब देखिए काम खत्म, 3 फ्रैक्शन आया है, पहले वाले और आखिरी वाले को एक बार लीजिए, लेट अस सेलेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है x/2 और थर्ड 1/1, भाई तीनों इक्वल है ना, तो इसको इसको इक्वल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, सेकेंड और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेट अस सेलेक्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो y/1 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए y = 1, ये x की और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, x की वैल्यू 2 रखिए, 2 2 = 4, y वैल्यू 1 रखिए, 4 + 1 = 5, 5 - 5 = 0। तो था ना आसान मेथड, अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये देखिए फर्स्ट का फोर्थ, चलिए हम आपको एक बार फिर से सिखाते हैं, = 0 दिख रहा है, चलिए काम सही है, बताइए क्या करते हैं, x के अपॉन में कुछ लिखते हैं, -y के अपॉन में कुछ लिखते हैं, 1 के अपॉन में कुछ लिखते हैं, सीख लीजिए तुरंत लगेगा इससे क्वेश्चन, x के अपॉन में कुछ लिखेंगे, -y के अपॉन में कुछ लिखेंगे, 1 के ऊपर कुछ लिखेंगे ना, तो देखिए x के नीचे लिखेंगे तो x वाला छुपाएंगे, छुपाने वाला मेथड, x लिख रहे हैं तो x छुपा लिए, अब जब x छुपा लिए तो जो कोफिशियंट बचेगा वो लिख देंगे, क्या क्या कोफिशियंट बच रहा है, -3, -3, -7, -15, अब y के नीचे लिख रहे हैं तो y वाला छुपा लिए, क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ -7, यहाँ -15, और ये छुपा लिए तो ये बचा 1, 3, -3, -3 ना, ये फॉर्मूले बेस को ही हम सेट किए हैं, फॉर्मूला जो है, अब फॉर्मूला आप सोचेंगे कहां से आया, वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके फॉर्मूला लाया गया है, तो फिलहाल आपको ये बस माइंड में रखना है और क्वेश्चन का आंसर तुरंत पाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 + 15 = 45, माइनस लगा दीजिए तब ऊपर देखिए, हाँ -3 का -3 = 21, इसका मल्टीप्लाई करिए -15, माइनस लगा दीजिए तब मल्टीप्लाई करने का सोचिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 और -7 - 21, मल्टीप्लाई किए -3, माइनस लगा दिए तब ये -9 होगा, 3 का -3 में -9, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, -+21 में से 15 गया 6, -+9 में से 3 गया 6, देख रहे कितना इजी, 3 स्टेप तक आपका आंसर आ जा रहा है, अब इसको और इसको पहला और तीसरा लेना है, x = 24 = 1/6, फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट सेलेक्ट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 4 = 24, अब इससे जी आप क्या लेंगे, अब इसको इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ लिख रहे हैं -y/6 = 1/6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस उधर भेज दीजिए, y की वैल्यू -1, काम खत्म, x और y की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 4 रखिए, y की वैल्यू -1, तो -1 और -3 प्लस 3 4
437 में से 7 गया 0, आंसर सही हम लोग का। कॉन्सेप्ट बना, इसी वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, फिर कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन खुद से लगा के ट्राई कर लीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में। देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी के कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा, ठीक। अब सुनिए कैसे सॉल्व करते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन है। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर आप कंडीशन ही भूल गए तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से गया। तो ये कंडीशन है, ए वन की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट 2, ए टू की वैल्यू दूसरे वाले में एक्स का कोएफिशिएंट ए माइनस बी, बी वन वाई का कोएफिशिएंट, बी टू इधर वाई का कोएफिशिएंट, और सी वन जो कॉन्स्टेंट बच गया 7, और इधर जो कॉन्स्टेंट बच गया 3a प्लस बी माइनस 2। एक गलती आप मत कर दीजिएगा, दोनों देख लीजिएगा इक्वल टू के उधर ही रहे या तो दोनों इधर ही रहे, अगर एक इधर एक उधर तो आपका आंसर भी इधर उधर हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, वही पहले और थर्ड वाले को लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सेकेंड और थर्ड वाले को लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट अस सेलेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2 अपॉन ए माइनस बी, और थर्ड क्या है 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। आपका मन करे तो आप पहला दूसरा भी ले सकते हैं और फिर दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 3 6 से 2 इंटू बी 2b 2 2 4, और इसका मल्टीप्लाई करिए 7a माइनस 7b। अब देखिए बच्चों 6a माइनस 7a, 6a 7a इधर आया, 6a में से 7a गया माइनस a, और ये माइनस 7b इधर आके प्लस 7b, तो 7 और 2 9b, और ये माइनस 4 उस साइड चला जाएगा प्लस 4। इक्वेशन 1 आपका हम तैयार कर दिए ना, इक्वेशन 1 आपका ये तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों पहला और तीसरा लिए, अब हम क्या करेंगे दूसरा और तीसरा लेंगे। अगेन लेट अस सेलेक्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन लेंगे। अब सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड क्या है 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, इसको हटा दे रहे हैं अब हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, देख रहे हैं कितना इजी, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई किए 9a, इसमें मल्टीप्लाई के पूरे मल्टीप्लाई होगा 3b माइनस 6, और इधर 7 का मल्टीप्लाई 7a प्लस 7b। चलिए 7a इधर आया 9a में से 7a गया 2a, 7b इधर आया 3b में से 7b गया माइनस 4b, और प्लस 6 माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब ये दो इक्वेशन आपके पास है, आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, ग्राफिकल से सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, चाहे जिससे सॉल्व करिए, ए बी की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए लेकिन हम आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है, माइनस ए प्लस 9b, 4 इधर आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 6 इधर आएगा 2a
माइनस फोर बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए इस दोनों को फिर से एक बार हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। यहाँ यहाँ एक्स वाई तो है नहीं, तो यहाँ एक्स वाई मत लिखिएगा, ए बी है तो ए बी लिखिएगा। तो ए के अपॉन में कुछ लिखेंगे, माइनस बी के अपॉन में कुछ लिखेंगे एंड वन के अपॉन में कुछ लिखेंगे ना। चलिए ए के अपॉन में क्या लिखेंगे, ए वाला छुपा लिए, अब क्या बचा, नाइन माइनस फोर और माइनस फोर माइनस सिक्स। बी के नीचे बी वाला छुपा लिए, क्या बचा, माइनस वन टू माइनस फोर माइनस सिक्स। वन के नीचे वन छुपा लिए, माइनस वन टू नाइन माइनस फोर ना। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए इसको। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो नाइन सिक्स जा 54, माइनस लगा है माइनस लगा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 44 जा 16, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये देखिए बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया, माइनस लगा दिए, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस 8 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और माइनस लगा के मल्टीप्लाई किए तो 18 हो गया। एक नीचे क्या आया 50 60, माइनस 70 आ गया और यहाँ कितना आ गया 14 आ गया और यहाँ कितना आ गया माइनस 14 आ गया। कोई डाउट? अब देखिए फर्स्ट और थर्ड यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड हम लिख रहे हैं, फर्स्ट लिखे ये और थर्ड है ये, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 70/5 कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, 14 5 जा 70, एक ही वैल्यू आ गई। अब इसको इसको ले लीजिए आप एक साथ, ये देखिए माइनस बी बाई 14 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 14, तो माइनस ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, 14 14 कैंसिल, बी की वैल्यू 1 आ गया ना आंसर। अब ए और बी की वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए, चलिए यहाँ रखते हैं, एक वैल्यू 5 5 2 जा 10, बी की वैल्यू 1 4 1 जा 4, 10 4 गया 6, -6 0, एकदम आंसर सही है हम लोग का। समझ में आ गया एक क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों ना, ये भी एग्जाम में आया है आपके, के की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन दिया है नो सॉल्यूशन का, तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए, अगर कंडीशन नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि होगा ही नहीं बिना कंडीशन के। तो कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन क्या है, a1/a2, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल, याद है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल का कंडीशन, ये सब याद रखना होगा। तो a1 मतलब x का कोएफिशिएंट, a2 मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, b1 मतलब ये y का कोएफिशिएंट, b2 मतलब ये y का कोएफिशिएंट और c1 ये हो गया, ये k की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को आप लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k की वैल्यू आपके जेब में होगी। कैसे देखिए 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, 3k में से 2k गया k, 3 उधर गया, 3 में से 1 गया 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ना। और अगर ये नॉट इक्वल टू लगा है तो इससे आपको बताएगा k की वैल्यू क्या नहीं हो उसकी, तो k की वैल्यू निकालने से आपको k की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब k की वैल्यू 2 यहां रखिए, 2 2 4 में से 1 गया 3, 3/3 1, 2 रखिए 2 में से 1 गया 1, 1/1 1, देखिए रेशियो इक्वल आ गया ना, तो वो चेक करने के लिए बता रहे हैं, फिलहाल ये आपका आंसर है। बात समझ में आया बच्चों? तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम अगला वीडियो बना देंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में परफेक्ट हो जाइए अगले वीडियो तक। और वीडियो पसंद आया है बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जाकि जिससे कि ये हमारा परिवार और बड़ा होता चला जाए। ओके बाय, कीप लर्निंग।